बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी सर। सर, इन दिनों उत्तराखंड में शूटिंग चल रही है, तो कैसा आपको उत्तराखंड का वातावरण लग रहा है और क्या मैसेज देंगे, क्योंकि कोरोना काल में पूरे जो नियम है उनको फॉलो करते हुए शूटिंग हो रही है, और कैसा लगा उत्तराखंड आपको? देखिए, हमारे लिए कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, जो उसकी नियम कानून है, वो सबसे पहले हम लोगों की शूटिंग 30 दिन में ख़त्म होनी थी, लेकिन अब कम से कम 60 दिन 65 दिन तक जा रही है। इसलिए हम तभी काम करते हैं जब हमें परमिशन मिलता है। दूसरा, आप देखेंगे इस सेट पे कि कोई भी अलाउड नहीं है बिना मास्क। एक एक्टर हूँ मैं, तो मुझे एक अलाउड होता है क्योंकि हमें कैमरा फेस करना पड़ता है, क्योंकि इतना सुंदर इतनी सुंदर जगह है, देवभूमि है, और यहाँ पर ये बीमारी जितनी जल्दी रुक जाए, थम जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर गांव हैं और गांव के लोग हैं, उनके पास में व्यवस्था उस तरह की नहीं रहती, उस तरह की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। तो अच्छा है कि ये पूरी तरीके से इसको बचा के रखा जाए, यहाँ के लोगों को बचा के रखा जाए, और वही कोशिश हमारी भी है। इसीलिए आप तो पत्रकार हैं, तो आपको कौन रोकेगा? नहीं तो हम तो किसी यहाँ पर देखेंगे तो जल्दी किसी की एंट्री होने नहीं देते, क्योंकि एक हमने एक अलग से एक बबल क्रिएट किया है, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, गांव के लोग भी सुरक्षित रहें। सर, कितनी संभावना है उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में फिल्म शूटिंग के लिए, क्योंकि लगातार आप प्रकृति प्रेम भी आपका देखने को मिला? देखिए, शूटिंग के लिए इस बहुत ही कमाल की जगह, और मैं तो निवेदन करूँगा पूरी फिल्म इंडस्ट्री से और दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री से कि वो इस देवभूमि में आए और शूटिंग करें। न सिर्फ यहाँ के लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, सहयोग देते हैं, बल्कि जो वातावरण है ये बिल्कुल अछूता है, और जो पूरी जो टूरिस्ट का टूरिज्म का एक जो बुरा पक्ष होता है उससे बिल्कुल अछूता है। तो ये अपने आप में एक धरती है जिसको जानने की, समझने की, और इस यहाँ पर समय बिताने की बहुत ज़रूरत है, और इसको दुनिया तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ठीक, तो उसके लिए फिल्म की शूटिंग होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम केवल भट्ट है। भट्ट जी, किस तरह यहाँ पे फिल्म मेकिंग का काम सीख रहे हैं, जबकि आपको ये काम सीखने मुंबई जाना पड़ता था, कितना फ़ायदेमंद है ये? बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप यहाँ रहते हैं और किसी बंदे से ऐसे मुलाकात होती है आपकी जो ऐसे काम को करता है, उनके साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे हमने प्रोडक्शन में भी काम किया, तो लोकल प्रोडक्शन से हेल्प करने का मौका मिला, और फिर आर्ट डिपार्टमेंट पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वहाँ जाके सीखनी पड़ती है, और बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं जिसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें सीखने को मिली। तो हम कहते हैं कि पहाड़ों से जो भी बंदा अगर इस टाइप का अगर काम आता है तो उस पर रुचि रखनी चाहिए सीखने के लिए कुछ। तो रोज़गार के कितने अवसर मिल रहे हैं? रोज़गार के बहुत सारे ऑफर हैं, ऐसे जब भी पहाड़ों की ओर ऐसे मूवी का या किसी भी प्रोग्राम का काम चलता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको। जैसे जो चीज़ें आपको नॉलेज में आपके नहीं हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से हो या फील्ड वर्कर से हो, कोई भी चीज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।